पावर प्ले में हमको पावर हिटर्स चाहिए जो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से बॉल लॉफ्ट करें, तो हमारे पास वो बहुत कम है, और अगर है भी तो वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि बॉल लॉफ्ट करें। और जब तक पावर प्ले में आप बॉल लॉफ्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दो फील्डर ही सिर्फ बाहर रहते हैं सर्कल के, तो आपको रन नहीं बनेंगे। आप ग्राउंड से अगर खेलेंगे तो सर्कल में फील्डर रोक लेगा, तो ये लिफ्टिंग द बॉल एक मिसिंग है। अच्छा, जहाँ पे बॉलिंग का जिक्र आया तो ज़हीर ख़ान जो है हिंदुस्तान की जान है माशाल्लाह से। जब भी हिंदुस्तान जो है सख्त मरहलात से गुजरता है तो वो विकेट की जब ज़रूरत होती है तो फिर ज़हीर ख़ान को लाया जाता है, तो उनके काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स भी है। लेकिन सिर्फ ज़हीर ख़ान क्या हिंदुस्तान को बचा सकते हैं ऑल द टाइम, या और भी फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है हमारी टीम में, तो क्यों नहीं है और कैसे हम लोग जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास फास्ट बॉलर ही खेलें, स्पिनर्स को भी जो है इंक्रेज करना चाहिए। और अश्विन को जो लिए थे लास्ट ओवर में, लास्ट में बहुत अच्छे किए वो बॉलिंग, और पयुष चावला भी जो बॉलिंग किए थे, मगर हमारे पास जो है कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे स्पिनर्स। नईम साहब, आप का क्या ख्याल है इस तरह? मैंने ज़हीर स्लो खान बॉलर्स भी इंडिया के अच्छे हैं, कैप्टन को चाहिए कि बॉलर के ऊपर फेथ है ना, कि ये कुछ करे टीम के लिए। अगर दो चार ओवर दे के हटा दे रहे उससे कुछ होने वाला नहीं है, और दो चार ओवर दे के स्लॉग ओवर्स तक ट्राई करे स्लो स्लो बॉलर्स को, तो हमारे को रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। यूसुफ को कोई मैच में 10 ओवर बॉलिंग नहीं दी गई अभी तक, जैसा कि युवराज सिंह 10 ओवर पूरे बॉलिंग करते हैं, यूसुफ को वैसा कई वक्त यूज़ नहीं किया गया 10 ओवर तक। और दूसरे बॉलर्स भी है जो बॉलिंग कर सकते हैं, जैसा कि मेरे हिसाब से हम विराट कोहली को यहाँ पर मिस कर रहे हैं। हमारे स्लो विकेट्स पे विराट कोहली एक ऐसा बॉलर था जो महेंद्र अमरनाथ टाइप बॉलिंग करके 83 के वर्ल्ड कप के वैसा जिता सकता था, जैसा कि इंग्लैंड बोपारा को यूज़ कर रही है, वैसा हम विराट कोहली को पूरे टूर्नामेंट में मिस कर दिए। अभी भी हमारे पास चांस है विराट कोहली को भी हम बॉलिंग में ट्राई कर सकते आप फास्ट बॉलर की बात में तो कुछ कहना चाहता जी? हूँ। ज़रूर जी। हमारे पास MRF फास्ट बॉलर्स कैंप 20-25 साल से चल रहा है। डेनिस हिली जो आते हैं यहीं रहते हैं, तो उससे हार्डली दो तीन बॉलर इंडिया को मिले हैं 25 साल में। तो BCCI को ये चाहिए कि प्रिस्क्राइब फास्ट बॉलिंग कैंप NCA में हो या अलग अलग एसोसिएशंस में हो, सही कोच को सेलेक्ट करके एक 20-25 फास्ट बॉलर्स हर स्टेट में रखें, उससे ज़हीर खान या ज़हीर खान से अच्छे बॉलर्स निकल सकते हैं। नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो बिजनेस चल रहा था शहर में ये इशू से पहले और ये इशू की शुरुआत में, और अब क्या फर्क पड़ा? أنا طالب علم أبحث عن التراث الإسلامي. शायरी को मैंने हमेशा अहम दर्जा दिया है, और मुझे घर बैठे अगर कोई काम इज्जत से मिल जाता तो मैं कर लेती। एक लंबा अरसा ऐसा गुजरा जब उर्दू सहाफत का रिकग्निशन तो रहा, मगर जो उसके अंदर एक फायर महसूस किए जाते थे वो बाद में नजर नहीं आई। जो भी बने मीडिया की आवाज, हम बनाएंगे बहस का मौजू। देखिए प्रोग्राम खास मुलाकात रोजाना शाम 4:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। नाजरीन, प्रोग्राम खास मुलाकात में फिर से आपका खैर मकदम है। चलिए बात करते हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट से ICC वर्ल्ड कप 2011 के बारे में। जनाब रहमतुल्ला साहब, आपसे एक सवाल है। आप जो है 1958 में अपना करियर स्टार्ट किए, रांझी खेले, और कई जो है कीमती डायमंड्स जो है हमारे मुल्क की टीम को आप दिए हैं अपने शहर से और सारे साउथ से माशाल्लाह से। तो आप ये बताइए कि जब से लेके आज तक आप जो सेलेक्शन प्रोसीजर रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में अच्छे प्लेयर्स को सारे हिंदुस्तान से शामिल करने का, उसमें आप क्या चेंजेस देखे इसमें? देखिए, 1958 में हमारे पास सिर्फ दो एज ग्रुप थे, एक अंडर 19, और उसमें अगर अच्छा प्लेयर होता है तो रणजी ट्रॉफी में सेलेक्ट किया जाता था। अब बच्चों के लिए 14 साल से क्रिकेट होती है और ऑल इंडिया लेवल पे होती है, 14, 16, 19, 22, उसके बाद रणजी ट्रॉफी,
और रणजी ट्रॉफी में भी जो है हर जोन से 5 टीमें खेली जाती हैं और वो 5 टीमों में से एक दुलीप ट्रॉफी सिलेक्शन होता है जिसको साउथ जोन या जोनल टीम समझी जाती है और वो जोनल टीम में अच्छा खेलने वाला रणजी ट्रॉफी में अच्छा खेलने वाला जोनल टीम में आता है फिर जोनल टीम में जो अच्छा खेलता है वो टेस्ट प्लेयर बनता है। कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो जोनल और रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले मगर वो इंडिया को खेल लिए हैं उतना कैलिबर था उनके पास जैसे जीआर विश्वनाथ है अजहरुद्दीन है ये बगैर दुलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी खेले हुए टेस्ट खेल लिए। तो हर आदमी को अपने मायार के ऊपर जो है सिलेक्शन मिल जाता है जो वो अपना मायार गेम बताता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर्स में बहुत जगह आपको जो है सिलेक्शन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बताना है उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हर प्लेयर को। तो आप जब शुरू में जब सिलेक्शंस होते थे आप जब एक्टिव क्रिकेट खेलते थे और फिर आप जब कोचिंग में आए तो क्या रहा कि जो डिज़र्व करता है जो अच्छा क्रिकेटर है वो आसानी से सेलेक्ट होता है या फिर वो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है उसके लिए? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा यानी जो भी लेते हैं जो भी खेलता है उसको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। एक ओवर अगर 100 कर लिया है वो तो उसका ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन होना है उसकी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बाज़ा खुद तो ऐसा होता है कि उसका परफॉर्मेंस बताने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है उसमें बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं और मेरी एक राय है कि वैसे प्लेयरों को मायूस होना नहीं चाहिए ये सोचना चाहिए कि मेरा खामियां कुछ हो गई हैं उसको मैं इम्प्रूव करूँ और अपने कंट्री के लिए खेलूँ या अपने स्टेट के लिए खेलूँ तो वो अगर इरादा उनका होगा तो बहुत अच्छा रहता है। जी वर्ल्ड कप 2011 में जितने जो मैचेस पावरफुल रहे हैं और जो बड़ी खूबसूरती से जीते गए हैं उसमें देखा गया है कि बॉलिंग जो है स्ट्रेंथ सबसे इम्पॉर्टेंट रही है। तो आप क्या समझते हैं जिसमें जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच जो है बड़ा ज़बरदस्त रहा है जो पाकिस्तान 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जीती है तो इस ताल्लुक से आप क्या समझते हैं कि हमारी जो इंडियन टीम इंडिया है उसमें बॉलिंग किस हद तक जो है इम्प्रूव्ड हो चुकी है या क्या खामियां हैं रहेगा? जो हमारी टीमें हैं ये वनडे स्टार्ट हुआ है 1975 से तो इस अरसे में 40-45 ईयर्स में हमारा ये दो डिपार्टमेंट पहले से ही जो है बहुत वीक है फील्डिंग डिपार्टमेंट और बॉलिंग डिपार्टमेंट। यहाँ तक कि हमारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स जो बॉलिंग कर रहे हैं फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ भी जो है इसमें खामियाँ हैं तो हमको पहले से जो है इस खामियों को दूर करना है और हमारे बाद जो 10 साल बाद जैसे कीनिया है जिम्बाब्वे हैं श्रीलंका खुद है ये लोग जो बहुत बाद में हमारे से क्रिकेट स्टार्ट किए मगर ये दो डिपार्टमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट है उनके पास ये दो डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान को बहुत इम्प्रूव करना है। और ये कैसे कर सकते हैं इम्प्रूव क्या करना चाहिए? ये रणजी ट्रॉफी में जो खेलते हैं और हमारे पास जो है MRF है बहुत से जो है कोचेज़ हैं फास्ट बॉलर कोचेज़ हैं स्पिनर्स कोचेज़ हैं एकेडमीज़ बने हुए हैं इनके BCCI की तरफ से उनमें जाके अगर ये ट्रेनिंग करते रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास भी अच्छे फास्ट बॉलर अच्छे स्पिनर मिलेंगे। हरभजन सिंह जो अच्छे स्पिनर है लेकिन इस सीरीज़ में जो है उनका कोई अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं रहा अपनी बॉलिंग का बावजूद इसके कि अगर आप देखें साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स जो है 3 बड़ी अच्छी बॉलिंग किए हैं तो आप क्या समझते हैं क्या वजह हो सकती है जो हरभजन जो है परफॉर्म नहीं कर सके? सबसे पहली चीज़ तो मैं स्पिनर्स के लिए ये बोलना चाहूँगा कि जब से ये वनडे क्रिकेट निकली है वो फ्लाइट करना ही भूल गए हैं और हरभजन सिंह की सबसे बड़ी कमजोरी ये हो गई आजकल के क्रिकेट में वो फ्लाइट करना ही भूल गया है। जब आप मारने बैट्समैन को नहीं दिए तो वो विकेट कैसा देगा? जैसा कि एर्रापाली प्रसन्ना था देखिए अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करके वो विकेट्स लेता था पटौड़ी उन्होंने फील्ड जमाते थे उसको बोलते थे तो अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर वो विकेट्स लेते थे। हमारे हरभजन सिंह में वो फ्लाइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही जिसकी वजह से वो विकेट्स ले सक रहा। मैं जैसा कि साउथ अफ्रीका के बोता है वो एक दो टॉस कर देते हैं उस पर विकेट ले लेते हैं पैटरसन ने टॉस कर देते हैं विकेट ले लेते हैं उनसे भी तो टूर्नामेंट में भी सीख सकते थे मगर ये सब हमारा मैनेजमेंट क्या कर रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। हरभजन सिंह इसलिए फेलियर है पूरे टूर्नामेंट। और युवराज सिंह जो है काफ़ी धूम मचा रहे हैं इस सीरीज़ में और जो खुद पार्ट टाइम बॉलर है तो आप क्या समझते हैं कि भाई युवराज सिंह का ये जो परफॉर्मेंस है अचानक तो इस ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव युवराज सिंह का इसलिए हुआ है कि वो काफ़ी डिटर्मिनेशन से खेल रहे हैं। पहले ऐसा होता 10-15 रन के बाद वो एक बड़ा शॉट खेल के आउट हो जाते थे अब इस बहुत जिम्मेदारी से खेल रहे हैं वो
और जहाँ तक बॉलिंग का है, बॉलिंग में भी वो काफ़ी सोच समझ कर बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फुल टॉस दे दे रहे हैं, लूज बॉल दे दे रहे हैं, रन्स चले जा रहे हैं, फ्लाइट भी दे रहे हैं, वो फ्लाइट दे के और काफ़ी सोच समझ कर बॉलिंग कर रहे हैं टू द फील्ड जिसको बोलते हैं आप। मीडिया जो है बॉलिंग की इम्पोर्टेंस को किस तरीके से जो है डिस्कस कर रहा है, जो भी टीम जीती है अभी तक सो फार इंडिया की टीम के ताल्लुक से? देखिए मीडिया में मुख्तलिफ अखबारात के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं, उनका अपना ख्याल रहता है। इस ज़मन में मीडिया के को आप जो है वो नहीं कर सकते कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। हर एक का एक अपने रिपोर्टर का अपना एक आइडिया रहता है, उसका एक तसव्वुर रहता जी। और ये ज़रूरी नहीं है कि मीडिया के रिपोर्टर को एक्सपर्ट हो मैं क्रिकेट का। मीडिया की फेवरेट टीम कौन है अभी ये सीरीज? मीडिया की फेवरेट टीम मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक श्रीलंका को बताएं जी, श्रीलंका के पास से फिर आप हाथ हटा लिए, उसके बाद जो है अब ये साउथ अफ्रीका और खुद ऑस्ट्रेलिया वाले नसीब बल्कि इंग्लैंड वाले भी ये बोलेंगे पाकिस्तान बड़ी खतरनाक टीम है। श्रीलंका वाले तो 10,000 खत बोल दिए सबसे खतरनाक टीम जो है पाकिस्तान है। अब जो आप लोग जो भी कोई कुछ बोलते हैं तो हम लोग उसको जो है आवाम के सामने पेश करते हैं पढ़ने वाले। जहाँ पाकिस्तान का नाम आया तो पाकिस्तान की स्टार्ट जो है बड़ी स्लो रही शुरू में, अभी तो जो है काफ़ी धूम मचा रहे हैं, अच्छे मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया जो 3 बार वर्ल्ड कप जीती है और नॉनस्टॉप हर मैच जीतते हुए आई है, उसको भी हरा दिए हैं, तो आप इस ताल्लुक से पाकिस्तान के परफॉर्मेंस के ताल्लुक से आप कुछ बताएं रहमत अल्लाह से? नहीं, परफॉर्मेंस तो उनका बहुत अच्छा रहा, मगर वो अपनी कंट्री में किसी तरह से, जैसे हमारे पास रणजी ट्रॉफी होता है या कोई टूर्नामेंट रहता है जिसमें, और इंटरनेशनल मैचेस भी उनको नहीं मिले, तो उनके अपनी कंट्री में खेलने का मौका बहुत कम मिला वहाँ की क्रिकेट टीम को खेलने के लिए। और जो भी क्रिकेट खेले वो लोग बाहर जाके खेले और उनके अपने मैदानों पे गेम नहीं हुआ है, मगर जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ गए हैं तो उनकी हर मैच में जो है इम्प्रूवमेंट है, इसलिए वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के फिल वक्त तो टीम अच्छा खेल रही है, मगर उनके लिए एक बात मशहूर है कि वो कभी भी कुछ भी कर दे सकती है टीम, यानी कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीत भी सकती है, कभी भी हार भी सकती है बहुत बुरी तरीके से, तो ये बात हमेशा ख्याल में रखा जाए जहाँ पाकिस्तान का जिक्र आता है। जो पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक है इसमें सबसे बेस्ट वैरायटी है बॉलिंग में, जो कोई टीम में वैरायटी नहीं है। आप देखेंगे इसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर मिलेगा, मीडियम पेसर स्विंग कराने वाला बॉलर मिलेगा, 90 माइल्स पर आवर डालने वाला बॉलर मिलेगा, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर मिलेगा, ऑफ ब्रेक बॉलर मिलेगा जो दूसरा भी डाल सके, एक ऑर्थोडॉक्स बॉलर मिलेगा जो लेग स्पिन गुगली बॉलिंग डाल सके। इतनी वैरायटी कोई टीम में नहीं है, चांसेस यही टीम के ब्राइट है तब के ये बैटिंग सही कर ले और फील्डिंग सही कर ले। शाहिद आफरीदी जी जो एक बड़े ज़बरदस्त कैप्टन और बॉलर जो है साबित हुए हैं सीरीज़ में, हालांकि वो जाने जाते हैं अपनी बैटिंग से वनडे स्पेशली वनडेज में, लेकिन इस सीरीज़ में उनका परफॉर्मेंस जो है कोई ख़ास नहीं रहा, वो सारे मैचेस में बिलो जो है 15 रन्स बनाए हैं, तो इस ताल्लुक से आप क्या समझते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में? अभी वो जितना बॉलिंग में कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं वो बैटिंग में कॉन्सनट्रेट नहीं कर रहे। एक मैच में वो अपने आप को प्रमोट किए थे उसमें वो क्लिक नहीं हुए, अगर बैटिंग में भी वैसे ही कॉन्सनट्रेट करके उन्होंने खेले पावर प्लेस में आके तो इंशाल्लाह क्लिक हो जाएंगे। आपकी क्या? मैं वर्ल्ड कप से पहले ही वो अनाउंस किए थे कि मैं अपने आप को मालूम किया कि मैं बैट्समैन से अच्छा बॉलर हूँ, और उस बॉलर को इंतखाब आलम की मदद से, जो इंतखाब आलम लेग स्पिनर हैं वो इस वक्त कोच भी हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें सीख के वो बहुत इम्प्रूव किए हैं, और उसका ये नतीजा है कि वो खुद 7 डाउन आ रहे हैं अपने आप को बैट्समैन नहीं समझ के और बॉलिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे, इसलिए 22 विकेट लिए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर है इस वक्त जी।